वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो देखिए, आज हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। एक बिग साइज की पुली हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हमने यूज़ किए हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए रिब फीचर है, फिर एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व बॉस, और यहाँ पे देखिए फुल राउंड फिलेट भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग पहले देख लेते हैं कि इस डिज़ाइन को हमने किस तरह से क्रिएट किया है, इसकी डायमेंशन वगैरह किस तरह से अप्लाई करेंगे वो इस 2D ड्राइंग के मदद से हम आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2D ड्राइंग हमने ओपन किया है। इसमें देखिए हमने यहाँ पे टॉप व्यू और यहाँ पे सेक्शन व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, ये तीन व्यू ही यहाँ पे हमने शो किए हैं। जिसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली जो बड़े होल हमने यहाँ पे अप्लाई की है उसकी PCD 476, फिर यहाँ पे इस छोटे वाले होल का जो हमने 6 यहाँ पे होल अप्लाई किए उसका उस होल की साइज़ है 145, और इसके जस्ट ऊपर जो हमने फुल राउंड फिलेट अप्लाई किए उसका डायमीटर है 165। फिर यहाँ पे रिब की विड्थ रहेगी 20 mm। फिर यहाँ पे जो इसका जो कट्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए उसके अंदर का जो ID होगा उसका डायमीटर रहेगा 700, और अंदर का जो मेन होल है उसका 110 mm उसका ID रहेगा। फिर यहाँ पे कीवे 30 mm, और यहाँ पे इसकी सेंटर हाइट 64 mm। फिर यहाँ पे जो मेन डायमीटर है इसका वो 850 mm यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे ग्रू हमने यहाँ पे 5 ग्रू यहाँ पे अप्लाई किए, जिसकी साइज़ यहाँ पे 24 का यहाँ पे बेल्ट साइज़ है इसकी। तो आपको ये ड्राइंग अगर देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे इसकी लिंक, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे एक पार्ट क्रिएट किया है, और यहां पे हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच। तो हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे, मिड पॉइंट लाइन सिलेक्ट कर देनी है, और यहां से इस तरह से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे इस साइज को ऑफसेट कर देते हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, और इसका डिस्टेंस रहेगा 55 mm, और सिंपली ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इसकी विड्थ रहेगी 156 mm। फिर ओके कर देना है। अब हम यहां से आगे का ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो फिर से लाइन एक्टिवेट करनी है और यहां पे एक स्केच ड्रॉ करना है इस तरह से। यहां पे हम ग्रूव अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 ग्रू हमें ड्रॉ करने हैं। तो अभी रफ साइज हम यहाँ पे रफली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर देना है, उसके बाद हम डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे ग्रूव सारे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ये जो भी हमारे ग्रूव की लाइन है इन सबको हमें सिलेक्ट कर देना है। आपको अपने कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद वन बाय वन सारे यहाँ पे इस लाइनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इक्वल कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है इन सबको सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन।
देखिए इन जो लास्ट वाली लाइन है ऊपर वाली, उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है हमें, ये जो बीच वाले जो ग्रू है इनकी लाइन सिलेक्ट करनी है और इन्हें भी इक्वल कर देना है। तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन और यहाँ पे इक्वल कर देंगे और यहाँ पे कोलिनियर, इन लाइन को भी हम कोलिनियर कर देते हैं। अब फिर से इस नीचे वाली लाइन को कोलिनियर और इक्वल कर देना है। अब हम यहाँ पे इसके इसकी साइज अप्लाई करेंगे, इसके डायमेंशन सारे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे इसकी साइज 24 mm अप्लाई करनी है। फिर यहाँ पे इसकी साइज 10 mm, फिर यहाँ से इसकी लाइन इसकी साइज 10 mm। फिर यहां से इसकी हाइट रहेगी 22.5 mm। और यहां पे इसकी साइज रहेगी 6.5 mm। यहां पे ऊपर वाली साइज रहेगी इसकी 4 mm। अब हम यहाँ पे इसकी साइज अप्लाई करेंगे तो इसकी साइज रहेगी 50 mm। अब हमें यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे एक्टिवेट करना है और यहाँ पे इस लाइन के साथ मिला देना है। अब हमें इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे कोलिनियर कर देना है और ओके करना है। अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे एक इस तरह से, यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और इसे वर्टिकल कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे मेक रिलेशन सिमेट्रिक कर देना है। अब यहां से इसका फुल राउंड डायमीटर रहेगा 700 और ओके करना है। फिर यहां से इस लाइन से इसका मेन डायमीटर आपको यहाँ पे इसका अप्लाई करना है डायमीटर 850 mm। अब इन दोनों लाइन को इक्वल कर देना है। और इन दोनों लाइन को कोलिनियर कर देना है और फिर ओके कर देना है। फिर से इन दोनों लाइन को कोलिनियर कर देना है। ओके, इसका डायमीटर भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से इसकी इसकी साइज रहेगी 250 mm। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हम यहाँ पे इसे यहाँ पे एक फिलेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी साइज रहेगी 20 mm और इनसाइड वाले जो कॉर्नर है उसे उन्हें सिलेक्ट करना है वन बाय वन और ओके करना है। यहाँ पे यस करने के बाद फिर से हम वन बाय वन इन सारे कॉर्नर को फिलेट अप्लाई करेंगे 20 mm और ओके करना है। अब इस तरह से देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है, यहाँ पे ड्रॉ स्केच पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आपको सिंपली फीचर में जाना है और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस बेस इस
फीचर को एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे इसकी एक्सिस लाइन हम या ये वाली सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे यहाँ से। तो देखिए ये इस तरह से हमारी पुली क्रिएट हो गई है। तो हम ये यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसका डायमेंशन रहेगा 145 mm। और यहाँ से इसकी साइज रहेगी जो हमने ड्राइंग में PCD अप्लाई की है उसका हाफ यहाँ पे हाफ साइज यहाँ पे अप्लाई करनी है 238। अब हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है और सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे अप टू नेक्स्ट कर देना है सिंपली और ओके कर देना है। फिर से यहाँ पे स्केच और यहाँ से इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और ऑफसेट एंटिटी और यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 20 mm। यहाँ पे देखिए 20 mm हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सिंपली ड्राइंग के हिसाब से इसका डायमीटर 165 हमें चाहिए। तो इसकी वन साइड का डायमेंशन यहाँ पे 10 mm अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसका डायमीटर 165 सेट हो गया है। अब हमें फीचर में जाना है। ओके, इससे पहले हम ये अंदर वाला सर्कल है इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको जस्ट अप साइड में एक्सट्रूड करना है 5 mm और ओके करना है। देखिए इस तरह से एक्सट्रूड हो गया है। अब फिलेट में जाएंगे और यहाँ पे फुल राउंड फिलेट हमें सिलेक्ट करनी है लास्ट वाली और यहाँ पे फर्स्ट वाली फेस यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। देखिए यहाँ पे फुल राउंड फिलेट अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे मिरर में जाएंगे। मिरर में यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे राइट प्लेन, फिर यहाँ पे फीचर ऑफ मिरर। तो हमें कट एक्सट्रूड, बॉस एक्सट्रूड और फिलेट यहाँ पे इन्हें सिलेक्ट करना है और ओके करना है। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करना है। सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कट एक्सट्रूड, बॉस एक्सट्रूड, फिलेट एंड मिरर, इन चारों ऑप्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इसका एक्सिस लाइन क्या होगा, एक्सिस लाइन यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न अप्लाई कर देने और सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्री पैटर्न को सिलेक्ट कर देना है और ओके करना है। तो इस तरह से देखिए ये सारे यहाँ पे फीचर जो हमने यूज़ किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। अब हम यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसकी चैम्फर रहेगी 2 mm और यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है। फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए लाइन यहाँ पे ट्रैक हो रही है। फिर इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इन चारों फेस को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे चैम्फर अप्लाई हो गई है 2 mm। अब हम यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच और हम यहाँ पे एक की वे स्लॉट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसकी साइज रहेगी 30 mm जो ड्राइंग में हमने अप्लाई की है।
ड्राइंग में जो हमने इसकी की हुई बताई है उस हिसाब से यहाँ पे 30 mm की साइज यहाँ पे अप्लाई करनी है, और यहाँ पे यहाँ से सेंटर सेंटर यहाँ पे जो मिड सेंटर है इसके पॉइंट से जो कीवे की डीप रहेगी वो 64 mm यहाँ पे अप्लाई करनी है और ओके करना है। और यहाँ पे इस पॉइंट को और इसके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। इसकी साइज हमें यहाँ पे रफ रहेगी तो चलेगा, या कोई भी आप साइज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, जैसे 25 mm मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्रू ऑल सिंपली ई वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कीवे स्लॉट क्रिएट हो गया है। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से अब इस लाइन को लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ से देखिए इस फेस से यहाँ पर इस फेस तक हमें ड्रॉ कर देना है और यहाँ से इसका डायमेंशन इसका जो एंगल है वो हम अप्लाई करेंगे 30 degrees। फिर यहाँ पे फुली डिफाइन के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो फिर ओके हो जाएगा, ओके कर देते हैं। या फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है। इसी तरह यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है और ओके कर देना है। फिर इसे एग्जिट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फीचर में जाना है और री फीचर को एक्टिवेट करना है। री फीचर में इस जो लाइन हमने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारी रिब की विड्थ थी 20 mm, तो 20 mm हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे रिब अप्लाई हो गई है। फिर मिरर में जाना है, मिरर में फिर से हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिब फिर ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में यहाँ पे रिब अप्लाई हो गई है। फिर सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे रिब एंड मिरर ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। फिर से एरर आ रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्री पैटर्न टिक है, इसे अनटिक करना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से ये हमारी पुली क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मेटल यहाँ पे आयरन सिलेक्ट करना है आपको। आयरन में देखिए यहाँ पे कास्ट आयरन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। देखिए ये कास्ट आयरन वाली पुली हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब सिंपली हमें जो अंदर वाला कट है इस फेस को सिलेक्ट करना है जो, और हमें जो स्लॉट था उसे भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टील सिलेक्ट करेंगे और सेटिन फिनिश अप्लाई करेंगे। ठीक
क्योंकि अंदर से थोड़ा फिनिशिंग हमें बोर करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला अपेयरेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो एडिट अपेयरेंस में जाना है, फिर यहाँ पे हम इसका कलर अप्लाई कर देते हैं ये वाला, और ओके कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये बिग साइज वाली पुली हमने क्रिएट कर दी है। ये ज़्यादातर पुली का भी यूज़ होता है इसमें, और फ्लाईव्हील का भी यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए इसके सारे फीचर्स हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।